नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तमरी में अज्ञात चोरों ने घर में धावा बोलते हुए लाखों के जेवरात सहित नकदी पार कर दिए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन गोविंदगढ़ थाने पहुंचकर अज्ञात चोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। घटना के संबंध में पीड़ित सुदामा साकेत ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात वह अपने परिजनों सहित घर में सो रहा था। इस दौरान अज्ञात चोर घर में घुसा और जेवरात से भरा डिब्बा लेकर भाग निकला। पीड़ित ने बताया कि घटना के दौरान ही उसकी पत्नी की आंखें खुल गई तो उसने चोर को भागते देखा, जिसके बाद हल्ला गुहार मचाया तो हम सभी लोगों ने भी बस्ती में जाकर चोर का पीछा किया, लेकिन जिस डिब्बे में जेवरात और पैसे रखे थे वह खाली पड़ा मिला, जबकि उसमें रखा सामान गायब था। इसके बाद घटना की शिकायत गोविंदगढ़ थाने पहुंचकर अज्ञात चोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अज्ञात चोर ने घर से 40,000 रुपए नगद, मंगलसूत्र, अंगूठी सहित अन्य जेवरात पार कर दिए हैं। हम गान तो लेट रहे, जब ऐसे ऐसे फिरा निकाल कहा जी तो हुआ ऐसे हाथ। कितने बजे? 3 बजे रात की घटना। क्या पुलिस को सूचना दी गई थी? हाँ, पुलिस वाले क्या आश्वासन दिए? जल्दी पढ़ते चले। हाँ, आज रात को 3 बजे। आज रात 3 बजे इसकी सूचना क्या आप पुलिस वाले को दिए हो? हाँ जी, सर मैंने फोन लगाया तो आया था जी, और मैंने करके क्या लगाया तो बोले की रिपोर्ट। क्या क्या सामान था उसमें? सोना चांदी था और पैसा जी। सुनने में आ, शादी भी थी घर में? शादी थी, वो 24 तारीख को तिलक थी और 30 को बारात होने वाली है जी।